हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से अपने चैनल को वाटरमार्क किस तरह से बना सकते हैं। तो आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखते रहिए और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल का वाटरमार्क बनाने के लिए आपको सिंपली अपना पिक्सल ऐप ओपन कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पर राइट साइड फोर्थ नंबर पर जो ऑप्शन दिख रहा है आप उस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से इसका कलर ब्लैक कर लीजिए ताकि जो भी आप टेक्स्ट लिखें आपको क्लियर दिखे। इसके बाद आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक कीजिए और टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपने चैनल का नाम लिख लीजिए, जो भी आपके चैनल का नाम हो। तो यहाँ से मैं जल्दी से अपने चैनल का नाम डालता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। तो अभी मैं अपना चैनल का नाम जल्दी से डालता हूँ। ये देखिए, मैंने अपना चैनल का नाम डाल लिया है और यहाँ से अब आपको इसका साइज एडजस्ट कर लेना है क्योंकि अभी लोगो भी ऐड करना है और ब्लूटूथ भी हमें ऐड करना है। और इसके बाद हमें इसका फॉन्ट चेंज करना है। यहाँ पर सेकंड नंबर पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आपको जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको फॉन्ट का ऑप्शन मिल जाएगा और काफ़ी सारे फॉन्ट हैं यहाँ पर। तो मैं कोई भी सा जो आपको फॉन्ट पसंद हो आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए और उसे एडजस्ट कर दीजिए अच्छे से, जो भी जहाँ भी आपको टेक्स्ट रखना है। तो इसके बाद आपको अपने चैनल का लोगो ऐड करना है। तो फिर से आप प्लस वाले आइकन पर क्लिक कीजिए और फ्रॉम गैलरी में क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी आपका लोगो हो आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए और इसका साइज़ छोटा करना है क्योंकि हमें टेक्स्ट के हिसाब से ही अब इसका साइज़ रखना है। तो अब मैं इसका साइज़ एडजस्ट करके इसे ऐसे ऐड कर देना है। और सेकंड, अब लास्ट जो स्टेप हमारा बचा है कि हमें अपना ब्लू टिक ऐड करना है। तो फिर से आप प्लस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद फ्रॉम गैलरी पर क्लिक कीजिए और ब्लू टिक ऐड कर लीजिए। और जो भी मैं मटेरियल यूज कर रहा हूँ ब्लूटूथ वगैरह, आप इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसे आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो इसे भी मैं एडजस्ट कर देता हूँ। ये देखिए, मैंने इसे एडजस्ट कर दिया है। आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना है और हमारा ये लोगो तैयार हो गया है। तो अभी तो ये पूरा इसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक है, तो हमें इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट करने के लिए फिर से हमें फोर्थ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और सेकेंड नंबर पर आप देखेंगे ट्रांसपेरेंट, आप इस पर क्लिक कर दीजिए और इसका जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और एक्सपोर्ट करने के लिए आप थ्री डॉट पर क्लिक कीजिए और लिखा है एक्सपोर्ट इमेज, यहाँ से आप इसका जो रेजोल्यूशन है क्वालिटी इसकी अल्ट्रा कर लीजिए जिससे हाई क्वालिटी में आपका सेव हो जाएगा और सेव टू गैलरी पर क्लिक कर दीजिए और आपकी जो PNG है वो सेव हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।